الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين رب رَحْلِي لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْأُخْدَةَ من لساني يَفْقَهُ قولي تمام اب تماما قاعده في درس اسلامي استقبال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه خليت اپ الحمد, الحمد لله الله रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को हमेशा खैर और खैरफ़त से रखे सेहत और सलामती के साथ रखे ईमान और तखवे की ताज़गी के साथ रखे आमीन तमाम तारीफ़ात यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सब को यहाँ पर आने जमा होने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके बाद दुरूद और मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी मेहनतों और काबिशों की वजह से आज हम सब एक अकेले अल्लाह अल्लाहल की इबादत करने वाले हैं मोहम्मद जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं आज का जो है उनवान हमारा हमारे जो पिछला था उसका थोड़ा सा अपोजिट है है ना पिछले संडे का टॉपिक क्या था जाए। जाए। सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी लाइफ है ना खुशगवार जिंदगी के राज आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है डिप्रेशन और में, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन ये लफ्ज़ सुना हुआ है ना? सब ने सुना या आप सिर्फ कुछ लोग सुने सब ने सुना यानी ये एक लफ्ज ऐसा है जो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि डिप्रेशन क्योंकि उसने अपनी फैमिली में अपने घर में इस अल्फाज को ये लफ्ज़ को बहुत ज्यादा वो सुन चुका राइट हाँ याद रखना सबसे पहले तो मैं अल्लाह रबाल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ कि अलहमदुल्लह जब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का काम करते हैं ना तो अल्लाह सबसे पहले हमारी ख़ुद की इस्लाह कर देता है जब जब भी हम जिस किसी मुश्किल और परेशानी में होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मदद करता है कि वो हमारा मसाला हल भी हो जाता है और हम उसके अंदर मजबूत भी हो जाते हैं जितने जितने टॉपिक्स आप लोगों के दरमियान रखे जा रहे हैं ना उसमें सबसे पहले इस्लाह मेरी खुद की हो रही है और यही दीनी कामों की सबसे बड़ी खूबसूरती है आप जब भी किसी दीनी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं ना तो आप अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ईमानी तौर पर कमजोर होते हैं तो वो दीनी काम की वजह से अल्लाह रब्बुल रबीन आपको वो ईमानी मजबूती अता कर देता है ये खूबी है ये खासियत है ये दीन के कामों की अब ये डिप्रेशन जो है ना आज के इस दौर का बहुत अहम मसाला है डिप्रेशन मेंटल हेल्थ जिससे हमारी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही जहनी, हमारी जो ताकत है जो हमारी सेहत है वो पूरी तरह खत्म हो रही आज आपको हर चार आदमियों में से तीन आदमी आपको डिप्रेशन के मरीज जरूर मिल जाएंगे है ना डिप्रेशन है डिप्रेशन है डिप्रेशन है और डिप्रेशन की बात स्टोरी सुनाई जा रही है और सुनते सुनते सुनने वाला खुद डिप्रेशन का शिकार हो जा ये हाल आज हमारा हो चुका है तो आज हम देखते हैं कि डिप्रेशन है क्या ठीक है डिप्रेशन के टाइप्स हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी के मुताबिक और फिर डिप्रेशन जिसको है उसकी अलात क्या है क्या कहीं हम में से कुछ लोग या हम सब लोग कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है उसकी अलामत क्या है ठीक है और फिर उसकी वजूहत क्या है इसके रीज़न क्या है और फिर उसका हल क्या है शॉर्ट 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 इंशाल्लाह स्पीडली में जाने की कोशिश करूंगी अल्लाह रबी से दुआ है कि अल्लाह मुझे इस टॉपिक हक खदा करने वाली बना दे आमीन अब यहां पर आइए डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब इसकी, इसकी इसको, इसका सर्वे किया गया तो गोरो ने इसके सबसे पहले सर्वे किया हम मुसलमानों से तो सर्वे होना बहुत मुश्किल है। हम हमारा खुद का सर्वे नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया का कहां से करेंगे अल्लाह हमको इस काबिल बना दे कि हम पूरी दुनिया का सर्वे करने वाले बने आमीन आज पूरी दुनिया में वेस्ट सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार है इसीलिए आज आप देख लीजिए खुदकुशियां सबसे ज्यादा वहां होती है मुसलमानों में बहुत कम है लेकिन है डिप्रेशन के मरीज हम हमारे पास भी है ठीक है गोरो ने जब इसका पूरा सर्वे किया ना आपको मालूम है ये पूरे के पूरे सर्वे में ये जानकर हैरत होगी कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज कौन है जब उन लोगों ने अपनी पूरी सर्वे रिपोर्ट बतलाई तो उसके अंदर 50 प्लस जो लोग है ना वो लोग टेन परसेंट डिप्रेशन का शिकार डिप्रेस्ड है फिफ्टी प्लस लोग उसके बाद आइए फोर्टी फाइव प्लस ठीक है पैंतालीस साल के बाद के लोग ट्वेंटी परसेंट वो लोग डिप्रेशन में मिले उसके बाद 25 जिन्होंने 25 फाइव एज क्रॉस कर ली 25 साल की उम्र क्रॉस कर ली उन लोगों के अंदर 30 से लेकर 35 परसेंट उन लोगों को डिप्रेशन का वो लोग मरीज उन लोगों को मिले डिप्रेस्ड वो लोग मिले और सबसे ज्यादा डिप्रेस जो लोग मिले डिप्रेशन का शिकार जहनी तौर पर बीमार जो लोग मिले ना वो मिले 25 के नीचे 25 साल से नीचे जितने लोग हैं ना 50% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज हैं अब आप अंदाजा लगाइए आज हमारी यूथ आज हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है तो ऐसा क्यों है क्या वजह है किस वजह से जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम नहीं जानेंगे ना हो सकता है हम उसके अंदर का हम मरीज हो लेकिन हमको पता ही ना चले अगर हमको बीमारी पता नहीं चलेगी तो फिर हम इलाज कैसे करवाएंगे अगर हमको शुगर है बीपी है अगर कोई और बीमारी अगर मालूम होगा ना तो एक से चार लोगों का एड्रेस लेंगे मालूम करेंगे कहाँ अच्छा इलाज है जाएंगे लेकिन अगर कोई अगर किसी को बोलेंगे आप डिप्रेशन के मरीज है नहीं 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 हम नहीं सॉरी हम आपको कुछ भी नहीं होगा हम अच्छे आज हम देखेंगे हम खुद का जायजा लेंगे कि क्या वाकई हम मरीज है या नहीं है याद रखिए साइकोलॉजी के मुताबिक डिप्रेशन की दो किस्में दो टाइप्स हैं ठीक है डिप्रेशन डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है ना डिप्रेशन का वजूद है ना बाकी हम सब जानते हैं ना तो उसके दो टाइप्स जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना पहली टाइप तो हम मुसलमानों के अंदर हो ही नहीं सकती और होना भी नहीं चाहिए पहली टाइप है एग्जिस्टेंशल डिप्रेशन वजूदी डिप्रेशन वजूद मेरा मकसद क्या है मेरा खुद को मकसद ही नहीं पता खुद को खुद की जिंदगी के मायने ही नहीं पता खुद की वैल्यू ही नहीं पता फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की उसको हकीकत नहीं पता उसके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इस्लाम की फलोसफी उसकी लाइफ उसको पता ही नहीं इस्लाम उनको कैसी लाइफ देने देता है कैसी लाइफ गुजारने का हुक्म देता है उसको मालूम ही नहीं है दुनिया की हकीकत से वो नावाफ है आखिरत के तस्वुर से बहुत दूर है वो बस वो लोगों को खुश करने में लगा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लेजर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना ये उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है तो ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी में डिप्रेशन तो होगा जिसने कभी कुरान को खोलकर पढ़ाई नहीं जिसने कुरान को सुनाई नहीं वो अपनी ज़िंदगी का हर गम किसे म्यूज़िक से म्यूज़िक से हल करता है है ना दिल के अरमानों को आंसुओं में जब वो बहता है, बहाता है तो किसके ज़रिए म्यूज़िक के ज़रिए तो ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन तो आएगा होगा क्या जब वो म्यूज़िक सुनेगा सुनेगा अपनी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएगा जब उसके पास जब वो जो वक्त होगा जिसके अंदर वो परेशान होगा एंजाइटी का जब वो शिकार होगा फ्रस्ट्रेशन का जब वो शिकार होगा जब वो जाएगा एक वक्त आएगा एंड ऑफ द टाइम क्या होगा व्हाट द नेक्स्ट उसके पास ऑप्शन होगा अब क्या अब क्या अब क्या, क्या? देखते 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 म्यूजिक सुनते 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 फिल्में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी उसकी वहशियत उसके अंदर बढ़ जाएगी उसके अंदर एनजाइटी पैदा होगी उससे होगा क्या वो अपने आप को बेमाने तस्वर करना करने लगेगा मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना मैं क्या करूं अब उसके लिए जिंदगी खत्म करना आसान होगा वो खुदकुशी कर लेगा तो भी उसके कोई फायदा उसको महसूस पता ही नहीं चलेगा खुदकुशी अगर मैं कर भी लूंगा तो शायद किसी को कोई नुकसान होगा कि नहीं यानी खुद को वो बेमाने तस्वर करता है वो अपने आप को तो ही नहीं कर सकता कि मेरी लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट है मुझे किसी के लिए पैदा किया गया तो ये कॉन्सेप्ट मुसलमान का नहीं हो सकता ये कॉन्सेप्ट मोमिन का नहीं हो सकता और याद रखना मोमिन कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता ये सिवियर डिप्रेशन है ये हमको हमारा वजूद मुसलमान की हैसियत से दिया गया है ना हमारी जिंदगी का एक मकसद है परपज है जब मुसलमान लफ्ज जुड़ गया तो आपकी जिंदगी में आपका मकसद आपको जोड़ दिया गया हम ये दुनिया में आए हैं तो हमारी जिंदगी में टेस्ट और ट्रायल्स आएंगे मुश्किल आएंगी परेशानियां आएंगी हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन हमारी जिंदगी बेवजूद नहीं होंगी हम सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे इस्लाम सुसाइड का हुक्म नहीं देता अब ये जो गोरे है ये जितने एथिस्ट है जिसके पास कोई मजहब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वो क्या करेंगे जिंदगी में अगर कोई चीज नहीं मिली अपने आप को बेमाने तस्वुर करे और फिर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिए खत्म ये किसके पास रहेगा जो ईमान वाला नहीं है लेकिन मैं और आप कौन है ईमान वाले तो हमारा ये तस्वुर नहीं हो सकता याद रखो अल्लाह रबुल आलमीन कुरान में क्या कहता है सुरे अल इमरान निकालिए निकालिए और मैं जितनी आयतें बोलूंगी ना वो आयतें आप लोग नोट करेंगे घर को जाके उसको पढ़ेंगे और देखेंगे स्टार्टिंग में मैंने जो आयत पढ़ी थी ना वो आयत हमारे लिए एक जबरदस्त जवाब है उन लोगों के लिए अल्लाह क्या कहता है वला वला तहिनु तहजनु मत डालो अपने आप को बेकार मत बनाओ तहजनु और गम ना करो डिप्रेशन में जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है और क्या बोल रहे और याद रखो क्या होगा तुम ही गालिब हो गए कब गालिब हो गए नहीं है मोमिन के लिए डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं सॉरी मगर हमारे पास डिप्रेशन के मरीज तो है मुसलमानों में डिप्रेशन तो है हम परेशान तो है गमजदा तो है मुश्किलात और परेशानियों में ऐसे घिरे हुए हैं घिरे हुए हैं आंखों को देखे तो भी उसमें से गम दिखता मुंह खोले तो भी गम दिखता इधर देखे तो भी गम दिखता उधर देखे तो भी गम दिखता गम इज गम दिखता ना तब तो ये गम क्या है ये गम है क्लिनिकल डिप्रेशन दूसरी टाइप है ये, क्लिनिकल डिप्रेशन अब ये क्या है देखते हैं हम लोग पहली बात तो याद रखना अगर कोई मुश्किल आए कोई तकलीफ हो कोई ऐसा काम हो जो हमारे अगेंस्ट हो तो दिल तक, दिल को तो तकलीफ होगी दिल को हिट तो करेगा ठीक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा खदीजा रजी अल्लाह हुआ तो तफासिर में आता है कि अल्लाह के नबी ने तीन महीने तक मुस्कुराया नहीं सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाली हस्ती के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी तो वक्तिया तौर तो पर तकलीफ तो होगी दिल हिट तो होगा अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो आप के मुखालिफ हो या आपको तकलीफ देने वाली हो या आपसे कोई चीज छीन जाए होगी लेकिन इस्लाम क्या कहता है हमें हमेशा उस गम को लेकर बैठना नहीं है मिसाल के तौर पर किसी को कोई किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला एमबीबीएस की फुल तैयारी की बहुत तैयारी की लेकिन एडमिशन नहीं मिला रिश्ते की पूरी तैयारी हो गई थी लेकिन रिश्ता नहीं हुआ तो क्या करेंगे क्या करेंगे सुसाइड कर लेंगे नउूदबिल्ला नहीं अल्लाह आलमीन से इस बात की तो ये चीज नहीं मिली इसका मतलब मेरे लिए और बेहतर चीज रेडी है हम सब्र करेंगे उस चीज का इंतजार करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम लेकिन ये इस्लाम गोरों के पास नहीं है याद रखना हमको आखिरत का कॉन्सेप्ट दिया गया ना दुनिया में नहीं मिला ठीक है कोई बात नहीं आखिरत में मिल जाएगा ना जबरदस्त कॉन्सेप्ट अज्र का concept. या सब्र कर लो अज्र मिलेगा आप लोगों को कितना दिल को सुकून मिलता है ना देखो आप ठीक है अगर आपके साथ कोई आ, जुल्म कर रहे हैं आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं या आपको किसी चीज से तकलीफ हो रही है आप बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि यार अब तू देख रहा है और तू इसका बदला देगा जो ये सोच रखते हैं ना उन्होंने कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते याद रखना ठीक है तो आइए क्लिनिकल जो डिप्रेशन है ना उसकी तरफ एक है वजूदी डिप्रेशन और उसके अंदर हमको जाना नहीं है लेकिन आज हमारी नौजवान जो नस्ल है ना आज अपने मकसद को भूल चुकी है वो जानती नहीं है कि क्यों पैदा किया गया आज मुसलमान नौजवानों में मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी कुरान का तर्जुमा जानते हैं 114 चैप्टर ना खाली कितनी छोटी किताब है ये हमने साइकोलॉजी की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना पसंद किया लेकिन ये छोटी सी किताब को पढ़ना पसंद नहीं किया इसको छोड़ेंगे डिप्रेशन आएगा क्योंकि आपको आपकी जिंदगी का वजूद बचलाने वाली आपको आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल बचलाने वाली ये किताब है ये सिर्फ तोता और मैना की तरह पढ़ने वाली किताब नहीं है सॉरी ये सिर्फ रमजान आ रहा ना, तो सवाब की नीयत से पढ़ के चार पांच छः दस खत्म कर लेने की वाली किताब नहीं होती ये आपकी और मेरी लाइफ के जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन देने वाली किताब है आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है खोलो कुरान दिल से खोलो अल्लाह से दुआ करके खोलो मेरा दावा है इस बात पर कि आपको उसका हल मिलकर रहेगा और मिलेगा जरूर मिलेगा कई लोगों को मिला हजारों लोगों को मिला खुद मुझे मिला उलमा को मिला तो हमको क्यों नहीं मिलेगा काम साहब को क्यों नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा खोलो देखो जरूर मिलेगा इंशाल्लाह लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ से हमको दूर नहीं होना खाने पीले जीले की जिंदगी काफिर फिर भी गुजार रहा मैं और आप मुसलमान हैं हम वजूदी डिप्रेशन में नहीं जा सकते याद रखना हमारे पास आखिरत का कॉन्सेप्ट दिया गया हमको तकदीर का कॉन्सेप्ट दिया गया ना कुछ बुरा हुआ तकदीर में था खदर हुआ माशा फाल है ना तकदीर में था वो चीज हो गई खत्म लेकिन ये तकदीर का कॉन्सेप्ट क्या गोरों के पास है नहीं है इसीलिए तो परेशान है हमारे दिल को सुकून कब मिलता है जब आखिरत का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है लाभ बहुत सुकून मिलता है या नहीं मिला कोई बात नहीं वहां मिल जाएगा कितना बड़ा सुकून का ये अल्फाज आप अंदाजा लगाइए कोई बात नहीं या हमको तकलीफ दी वहां हमको सुकून मिलेगा ना है ना हमारे पास ऑप्शन आखिरत का है ठीक है तो हमको हमेशा हमारा पर्पस याद रखना है हमको हमारी जिंदगी का मकसद याद रखना है आखिरत को याद रखना है और तकदीर को देखना है जब देखेंगे तो हम ये हमारे वजूदी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे दूसरी चीज क्या है क्लिनिकल डिप्रेशन और इसके हम बहुत हम सब मरीज हैं हम सब हैं देखते हैं कैसे जिसको इलाज की जरूरत है जिसका इलाज कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं ठीक है हाँ इब्ने खय रही कौन है इब्ने खियीम इबन ख रही कौन है मैं अक्सर उनके अखबार इस्तेमाल करती हूँ उनकी किताबों को फॉलो करती हूँ अक्सर बहुत बड़े आलम दीन है इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम ये पूरे वो उलमा हैं जिन्होंने कुरान को अहदीस को उसकी पूरी तफासीर को निचोड़ कर मेरे और आपके हवाले किया इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक एक ईमान वाला जो बंदा होता है ना बिलीवर जो वाला बंदा यानी ईमान रखने वाला जो बंदा होता है जब वो डिप्रेस होता है तो शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है ईमान वाला बंदा जब डिप्रेशन का मरीज होता है यानी तौर पर वो इंतजार का शिकार होता है तो शैतान बहुत खुश होता है और उसको मजीद डिप्रेस्ड करता चला जाता है करता चला जाता है यहाँ के वल्ला की इबादत से दूर हो जाए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाए वो कुरान से दूर हो जाए वो अपने मकसद से दूर हो जाए और फिर उसको वो करता क्या है हराम रिलेशनशिप्स की तरफ लगा देता है बेकार और बेकार की मशगुलियात की तरफ लगा देता है शैतान बंदा डिप्रेशन में रहने वाला बंदा हमेशा जहनी तनाव का शिकार रहने वाला बंदा शैतान को बहुत ज्यादा पसंद है और हमको वैसे बनना नहीं लाइफ है जिंदगी है अप्स एंड डाउन तो आएंगे उतारो चढ़ाओ का नाम ही तो जिंदगी है लेकिन इस उतारो चढ़ाव की जिंदगी में अल्लाह को भूल जाना कुरान को छोड़ देना इबादत से दूर होना सॉरी ये मोमिन की जिंदगी नहीं होती ये मेरी और आपकी जिंदगी नहीं होती तो शैतान करता क्या है हमको ये दुनिया खूबसूरत उसकी उसकी पूरी जीनत को हमारे सामने ला कर रखता है इसकी कोई अहमियत नहीं है किसकी दीन की आज वैसे ही हो गया ना यही वजह से आज हम सब डिप्रेशन का शिकार हैं दुनिया की खूबसूरती की तरफ भाग रहे दिन की खूबसूरती नजर नहीं आ रही और जिस दिन आपको दीन नहीं आए सबसे मुश्किलात तो को आए ना। तो क्या अंबिया डिप्रेशन के मरीज बने नबी वसल्लम हाँ अच्छा डिप्रेशन में जाता क्यों है बंदा किस वजह से जाता है आप मुझे बताइए तन्हाई अगर आपको जहन में आता है तन्हाई गरीबी हाँ आएंगे मैं इंशाल्लाह मैं आपको पूरे उसकी जो वजूहत है ना एक 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 करके आपके दरमियान रखूंगी इंशाल्लाह लेकिन याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा ला ला अल्लाह अल्लाह इल्ला किसी भी जान पर उसकी जो नफ्स है ना उससे ज़्यादा जुल्म नहीं करता मेरे साथ जो हालात हो रहे हैं जो भी मेरी ज़िंदगी में उतार व चढ़ाव हो रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है मैं बर्दाश्त करूंगी इसीलिए मेरे पास आए मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना मुझे अल्लाह से दूर नहीं होना मुझे अपनी तकदीर पे रोना नहीं है जो हो गया वो हो गया भाई अपनी लाइफ को खुशहाली के साथ हमको गुजारना है खुशहाल हम कब रहेंगे जब हम खुश खुद खुश होना चाहेंगे खुश रहने में खुशी मिलती है हमेशा सोच में रहना डिप्रेशन में रहना इससे होगा क्या खुद को भी नुकसान होगा और अतराफ जो रहेंगे ना लोग उनको वो भी नुकसान में रहेंगे वो भी अपनी जिंदगी खुशहाल नहीं गुजारेंगे तो अब यहाँ पर हमको बात क्या याद रखनी है जुलम नहीं कर सकता जो भी हालात हो रहे हैं जो भी आजमाइशें हो रहे हैं खुद अल्लाह में कह दिया ना हमने तुमको जो दुनिया की जिंदगी दी है वो टेस्ट और ट्रायल्स के लिए यानी आजमाइशों के लिए दी है आप लोगों को तो आजमाइश तो आ, आएगी सहत के, के जरिए आएगी औलाद के जरिए आएगी माल के जरिए आएगी किसी भी जरिए अल्लाह हमको आजमा सकता है जब तक आजमाएगा नहीं तब तक अल्लाह रबाल आलमीन को कैसे पता चलेगा कि हम वाकई अपनी जुबानों से जो अल्फाज बोल रहे हैं हम ईमान वाले हैं या नहीं है सोना सुनार जो होता है ना जब तक भट्टी में नहीं डालेगा तब तक पता चलेगा उसका असली सोना क्या है कौन सा है नहीं ना तो वैसे जलना पड़ेगा हमको भी ये मुसीबतें जो है ना अपनी जन्नत के लिए उठानी है आएगी भाई मुसीबतें आएगी क्या हमेशा रहेगी मुझे बताइए एक वक्त हमेशा हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत आई होगी ना जरूर आई होगी लेकिन क्या वो मुसीबत बाकी रही वक्त गया और वो मुसीबत भी गई और उसका गम भी उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाएगा ना मौत का ही गम ले ले लीजिए जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत यही है ना कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाए लेकिन जब जैसे जैसा वक्त तो गुजरता है होता क्या है वो गम हल्का होता चला जाता है ये अल्लाह रबालमीन का उसूल है जब बंदा खुद डिप्रेशन से दूर होना चाहता है तभी अल्लाह रब्लम उसको डिप्रेशन से दूर रखता है अब यहाँ पर याद रखना अल्लाह रबालमीन की रहमत से हमको मायूस नहीं होना सैडनेस की तरफ नहीं जाना मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ वो हो गया मेरे साथ जैसा ऐसा होने का था मेरे रिश्ते का था हमारे खानदान में ऐसा होने का था नहीं जिंदा लाश बन के न रहना कभी भी उनको देखे भी तो गम दिख रहा मुख खोले भी तो पूरा गम गं निकल रहा, है ना हमेशा ऐसी बातें करना कि सामने वाला सुन के उन्हें गम में चले जाए नहीं ऐसा नहीं जिंदा लाश न रहना हम इंसान है ना जिंदा है ना तो इंसान बन के रहना हमारे अंदर जो दिल है ना वो धड़कता है ना उन्हें रुक गया क्या मुझे बताइए अगर रुक गया तो क्या होगा हाँ जानते हैं हम क्या होगा तो वो जो धड़क रहा है ना तो हम भी हमारे एक्टिविटीज को धड़काते रहना यानी हम अपने जो काम है उसको बढ़ाते रहना एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करते रहना एक जगह एक पहाड़ की तरह बैठने जाना यही हो गया ऐसा छ हो गया वही सच हो गया जो चीज़ होनी है वो होगी और आगे, आगे आपके साथ जो होना है वो अल्लाह रबालमीन जानता है अल्लाह ने कहा ना अभी क्या कहा अल्लाह कहाबीन ने तुमको सुस्ती इख्तियार नहीं करनी अगर तुम्हारे साथ कोई गलत हो गया ना तो कोई जरूरत नहीं है सुस्ती इख्तियार करने की अपने आप को रोक लेने की एक जगह जमा लेने की नहीं और आपको गम करने की भी जरूरत नहीं है अल्लाह आपको ही गालिब रखेगा अगर आप मोमिन होंगे अगर आप अल्लाह की जात पर तबक्ल रखेंगे आप जैसा गुमान अल्लाह की जात पर रखेंगे आपके साथ वैसे होगा जब अल्लाह की जात पे अच्छा गुमान होगा ना करोड़ों का नुकसान होने के बावजूद भी आपका दिल सुकून में होगा गुमान अच्छा रखो अल्लाह की जात पर अच्छा गुमान आपको ये डिप्रेशन से निकालने में आपकी हेल्प करेगा अब यहां पर याद रखो की एक रिपोर्ट आई थी 1990 में डब्ल्यू एच ओ क्या है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना यानी ये सेहत का आलमी इदारा है जो हर वक्त क्या करता है सर्वे करता रहता है हर चीज के तो उसने 1990 में उन्नीस सौ नब्बे ईस्वी में डिप्रेशन के ताल्लुक से एक रिपोर्ट दी थी क्या दी थी कि ये जो डिप्रेशन है ना ये जहनी बीमारी को उसने डिक्लेयर किया था जहनी बीमारी डिप्रेशन क्या है जहनी बीमारी और जहनी ये जो बीमारी है उस वक्त वो फोर्थ नंबर पर थी कब 1990 में और उसने कहा था कि 2020 में ये फोर्थ नंबर पर होगी सॉरी सेकंड नंबर पर होगी 1990 में वो कौन से नंबर पर थी फोर्थ नंबर पर थी 2020 में उसने दावा किया था कि ये सेकंड नंबर पर होगी लेकिन आज आपको पता है 2024 में डिप्रेशन फर्स्ट नंबर पर है अंदाजा लगाइए आप किसी चीज को सोचना हद से ज्यादा सोचना हाँ अलामत देखेंगे आप हां। अब हम अब अलामत सुनने के बाद ना एक दूसरे को नहीं देख लेना ठीक है क्या करना हर अलामत को अपने ऊपर गौर करना हम अपने बाजू और आजू वालों को गौर नहीं करना यह बहुत बड़ी गलती हमसे होती है ठीक है हाँ तो अब देखिए यहां पर उसकी अलामत क्या है डिप्रेशन के अलामत स्माइली डिप्रेशन मालूम है स्माइली डिप्रेशन अलामत है अब ये डिप्रेशन की सामने सो इतना हंसते रहना मुस्कुराते रहना और अंदर से पूरा गम का पहाड़ लेकर डूबते जाना घुलते जाना अंदर से अपने आप को क्या बोलते हैं उसको घोटते जाना स्माइली डिप्रेशन बोला जाता है बोलते ना बाज लोग इतने अच्छे अपना गम कभी दिखाते नहीं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते सामने मुस्कुराते लेकिन जब तन्हाई में जाते हैं तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं ये डिप्रेशन का ये पहली अलामत है याद रखना और हम सब क्या करते हैं इसी को क्या करते हैं फॉलो करने की कोशिश करते हैं हमको क्या करना है अपने दिल को इतना हल्का रखना है इतना साफ सुथरा रखना है कि जब हम लोगों के दरमियान आए तब भी मुस्कुराए और जब अकेले और तन्हाई में हो तब भी मेरा अल्लाह है ना उब्बुल आलमीन है ना कोई करे मेरा काम या ना करे मेरे साथ क्या हुआ मैंने क्या किया क्या मुश्किल थी मैंने क्या जवाब दिया हर चीज को कौन जाता है अल्लाह रबीन अल्लाह की रमत से मुझे मायूस नहीं होना है अकेले में हम पब्लिक में सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए तो ये है पहली आलाम उसके, उसके बाद आइए हर चीज उनको बेजारगी हर चीज में बेजारगी लगती कुछ भी करना दिल नहीं बोल रहा जी क्या भी नहीं करना तो दिल रहा ना खाना दिल बोल रहा ना पीना दिल बोल रहा कुछ भी नहीं करना दिल बोल रहा यह भी क्या है डिप्रेशन की अलामत है ठीक है सैडनेस है ना हमेशा मायूस रहना हमेशा खौफ में रहना क्या होता कि क्या है कि उन्होंने गए वहां पर सफर पे क्या होता कि जाते कि नहीं जाते कि इन यहां से बोल देते जाते कि नहीं जाते कि बोल के नहीं हमेशा खौफ में रहना ठीक है एक ही बात को बार बार दोहराना एक बात बोल दिए फिर फिर रिटर्न रिपीट करना वही वर्ड्स को फिर रिपीट करना फिर रिपीट करना उसी तरह चीख चीख कर बातें करना इंसानों से बात नहीं करें जैसा गोया पता नहीं आप किससे बात कर रहे फिर उसके बाद छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना और इसी तरह अगर छोटी सी बात है और उसका जवाब बहुत बड़ा आ जाना समझ में आ गया ना बहुत छोटी बात थी उसका उत्तर वो नहीं था असर नहीं था कॉमन बात थी लेकिन रिप्लाई ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा कुछ बन गया ओके okay, ये भी क्या है डिप्रेशन की अलामात है ओके okay? नींद की कमी होना मास्क डिप्रेशन जिसको बोला जाता है नींदिश नहीं आ रही खा रहे सब कर रहे हैं मगर नींदिश नहीं आ रही सोच की वजह से सोच जहनी तौर पर अगर हमारा दिमाग किसी ना किसी इंतजार का जब शिकार होगा तभी हमारी नींद खत्म होगी याद रखना मास डिप्रेशन इसको बोला जाता है ठीक है फिर इसी तरह वजन का एकदम बढ़ जाना या एकदम कम हो जाना ये भी डिप्रेशन के आलामात में से है और भूख का हद से ज्यादा लगना या एकदम पूरी भूख खत्म हो जाना जहन बार बार मौत की तरफ है ना मर गए तो अच्छा है रह के क्या करते खाके क्या करते पी के क्या करते है ना बार बार ये अल्फाज बोलना खुदकुशी के ये बातें करना

एक कंप्लीट नहीं करते उसको अधूरे अधूरे फिर उसके बाद नहीं मेरे से कुछ भी होता है हमेशा थकावट का शिकार रहना हमेशा थकावट का शिकार रहना और ज्यादा से ज्यादा सोना बैठे की नींद में से उड़ने के बाद ठीक है ज्यादा सोना सुस्ती और काहली नेगेटिविटी का हमारे अंदर चढ़ना यानी मनफी सोच अगर कोई आगे आपको कोई बात बोले ऐसा है कि पैदा करना सोच को बार, बार उभारना। तरह अगर कुछ हादिसात हो जाए ठीक है कोई एक्सीडेंट हो गया अब उस कुछ याद कर कर, कर, -कर, कर, -कर, कर, -कर, कर, -कर पूरी जिंदगी को लगा देना नहीं ऐसा हुआ था हमारे साथ ऐसा छुआ था हमारे साथ इनको पकड़े की वो बात बोल रहे उनको की वो बात बोल रहे लाइफ में जो चीज़ हो गई वो हो गई ठीक है तो कितने हो गए देखो इसमें से कितने सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये अलामत को दूर करके हम हम हमारे अंदर जो डिप्रेशन है ना अल्लाह ताला उसको हमारे लिए हमारे अमन और सुकून में अल्लाह पैदा कर दे बदल दे अल्लाह आमीन हाँ ठीक है चलिए अब उसकी वजूहत क्या है उसकी वजूहत की तरफ आ जाती हूँ